गृह मंत्री की कहानी राजेंद्र भारती की जुबानी। कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की कार्य प्रणाली के कारण अपराधों की संख्या बढ़ी है, जिससे लगभग कानून व्यवस्था खत्म है, जंगल राज हो गया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हाल में हुए रेंडा हत्याकांड है। इस हत्याकांड में गृह मंत्री की चुप्पी यह साबित करती है कि अपराधों को बढ़ाने में कहीं ना कहीं उनका संरक्षण है। साथ ही उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने चुनावी आपराधिक कृत्य किए हैं, इसकी शिकायत हमने की है। गृह मंत्री की कार्यप्रणाली के कारण जिले में अपराधों की संख्या बढ़ी है और लगभग कानून व्यवस्था खत्म है, जंगल राज हो गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हाल में ही रैना हत्याकांड है। इस हत्याकांड पर गृह मंत्री की चुप्पी यह साबित करती है कि अपराधों के बढ़ावे में कहीं ना कहीं उनका संरक्षण है। गृह मंत्री ने चुनावी आपराधिक कृत्य किए हैं, इसकी शिकायत हमने लगातार की है और जिसके प्रमाण स्वरूप पेड न्यूज केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वोटर लिस्टों में फर्जी मतदाता जुड़वाने का काम गृह मंत्री जी लगातार कर रहे हैं और अभी 2023 की वोटर लिस्ट में जो प्रकाशित हुई है उसमें एक एक गृह संख्या में 300 से लेकर 500 की संख्या विद्यमान है। इसकी शिकायत भारत निर्वाचन आयोग को करने के बावजूद जिला निर्वाचन कार्यालय निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के परिपालन में अभी कोई कार्रवाई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा, जिससे ये प्रमाणित होता है कि गैर मंत्री के अनुसार पूरा जिला निर्वाचन कार्यालय लगा हुआ है। ये जिला निर्वाचन कार्यालय में जो पदस्थ अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी मिलीभगत है, वो गृह मंत्री के दबाव में और गृह मंत्री के अनुसार काम कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत की है पर यदि कार्रवाई नहीं होती है तो फिर न्यायालय की कार्रवाई करेंगे, न्यायालयीन कार्रवाई करेंगे। लगभग 4 से 5 हज़ार फर्जी मतदाताओं की हमने जानकारी दी है, गृह संख्या की जानकारी दी है, कितने लोग मर गए हैं वो दी है, कितने लोग बाहर चले गए हैं, कितने एक से अधिक भाग संख्या में एक ही मतदाता के कितनी जगह नाम है ये दी है। लेकिन हमने ये सब उनको उदाहरण स्वरूप दिया है, ये प्रमाणित किया है कि ये गड़बड़ी है, तो इसके आधार पर उनको पूरे विधानसभा की एक एक वोटर लिस्ट की जांच परीक्षण करना चाहिए और यदि जिला निर्वाचन कार्यालय गृह मंत्री के दबाव में जानबूझकर जांच पड़ताल नहीं कर रहा है तो ये माना जाएगा कि जिला निर्वाचन कार्यालय में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी गृह मंत्री को प्रश्रय दे रहे हैं और अनुचित रूप से लाभ देने का काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग की मंशा अनुसार चुनाव की निष्पक्षता, पारदर्शिता और स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। निर्वाचन कार्यालय में जो पदस्थ अधिकारी हैं सब गृह मंत्री के द्वारा पदस्थ कराए गए हैं तो उनके अनुसार ही वो काम कर रहे हैं। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।